हेलो फोडीज वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इजी आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हर कोई बना सकता है तो सबसे पहले आपको लेना है दो कप के जितना गेहूँ का आटा इसमें दो लोगों के हिसाब से चार बड़े आलू के पराठे बन जाएंगे इसमें हम डालेंगे जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट नमक अपने स्वाद के हिसाब से आप डालें आटे में और दो तिहाई कप से आपको पानी से आटे को नरम गूंद लेता है जैसे कि रोटी का आटा लगता है बिल्कुल वैसे ही अब आटा लग गया है इसे हम रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं उबले हुए दोस्तों तीन से चार मध्यम आकार के आलू ले लें या फिर कप के मेजरमेंट में बताऊँ तो एक कप के जितना कद्दूकस किया हुआ उबला आलू है इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने तीन से चार यूज़ किया है एक चम्मच के जितना घिसा हुआ अदरक और खूब ढेर सारे फ्रेश हरे धनिया पत्ते और थोड़ा सा भुना जीरा आप क्रश करके भी डाल सकते हो यहाँ पे साबुत धनिया है जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ एक छोटा चम्मच के जितना अमचूर पाउडर नमक स्वादानुसार इससे आसान आपने आलू के पराठे की रेसिपी आज तक नहीं देखी होगी मैं बहुत ही ईजी रेसिपी बता रही हूँ और सबसे लास्ट में थोड़ा सा कोई से भी अचार का मसाला तो ये हमारी आलू की फिलिंग रेडी है जिन लोगों को प्याज पसंद है वो प्याज भी ऐड कर सकते हैं दस मिनट के बाद आटे को वापस से एक बार अच्छे से गूंध लें ताकि स्मूथ हो जाए अगर आपको टिपिकल पंजाबी स्टाइल आलू प्याज के पराठे देखने हैं तो ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ जिसमें थोड़े से और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जाते हैं उसकी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन में रिफ्लेक्ट हो रही होगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे हम आटे से लोहियाँ कट कर लेंगे आलू के पराठे मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ तो जितना आटा मैंने लगाया है यानी कि दो कप में टोटल चार पराठे के जितना बन जाएगा अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं उस हिसाब से आप सारी चीज़ों की क्वान्टिटी बढ़ा लें इसकी गोल गोल हम लोइयाँ बना लेंगे स्मूथ कर लेंगे तो मैं दो तरीके से सिखा रही हूँ एक सिंपल लोई में भर के और एक दूसरा तरीका जिसमें आपके आलू के पराठे 100 परसेंट फूलेंगे और खूब अच्छे से फिलिंग भी होगी तो सबसे पहले ये पहला तरीका है एक लोई को हल्का सा बेल लें एकदम बड़ा नहीं बेलना है जस्ट थोड़ा सा बेल लें ताकि इसमें हम आलू की फिलिंग भर पाएँ आलू जितना भी भरना है बहुत ज़्यादा भी भरने की ज़रूरत नहीं है नहीं तो फट जाएगा मैंने जितना भरा है ठीक है इससे ज़्यादा भी आप भर सकते हैं अगर आप भर पाओ बट मैंने कम बिल्कुल भी नहीं भरा है ऊपर से थोड़ा सा आटा हटा देंगे और इसे फ्लैट करके पहले तो हाथ से ही हम थोड़ा गोल इसे फैलाने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट अगर आप बेलन से इस पर प्रेशर लगाओगे तो ये फट भी सकता है जितना हो सके शुरुआत में हथेली से ही फैलाने की कोशिश करें तो आपका एक बेसिक शेप तैयार हो जाएगा पराठे का अब हल्के हाथ से आपको पराठे के दोस्तों किनारे किनारे प्रेशर लगाना है सेंटर में नहीं साइड में ताकि जो आलू की फिलिंग है वो अंदर ही बनी रहे तो ये एक तरीका था अब ये दूसरा तरीका है जिनको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उनके लिए इस तरीके से भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं आपको दो लोयाँ लेनी हैं बिल्कुल रोटी की तरीके से पतला पतला बेल लेना है जो नीचे वाला बेस रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा जो ऊपर वाली रोटी होगी वो थोड़ी सी आप नीचे वाले से छोटा भी बना सकते हो आलू के मसाले को बिल्कुल इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे जैसे हम पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं साइड में आपको एक सेंटीमीटर के जितना छोड़ना है पूरा अच्छे से फैला लेंगे आप इस तरीके से कोई सा भी पराठा तैयार कर सकते हो मूली का पराठा गोभी का पराठा तो ये भी बहुत ही अच्छी टेक्निक है इससे आपके पराठे फटेंगे नहीं और साथ ही साथ सेकते वक्त फूलेंगे बिल्कुल ज़रूर बलून की तरीके से इसको साइड से सील कर दें और वापस से थोड़ा सा पर्थन लगा के आपको इसको बेल लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो मैंने साइड से सील करने के बाद इसे वापस से बेल लिया ताकि बहुत ज़्यादा मोटा पराठा ना रहे आपको मैं इसकी थिकनेस अभी दिखा दे रही हूँ तो ये पराठा थोड़ा सा बड़ा बनता है साइज़ में क्योंकि दो लोहियों से बन तैयार हुआ है पराठा सेकते वक्त दोस्तों जो फ्लेम है वो मीडियम हाई ही होनी चाहिए धीमी आंच पे अगर आप पराठे सेकोगे तो आपके पराठे एकदम पापड़ की तरह कड़े कड़े से बनेंगे मज़ा नहीं आएगा पराठे थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए तो हमेशा पराठे थोड़े से मीडियम हाई फ्लेम पे ही सेके जाते हैं अब आपको घी तेल जिसमें भी सेकना है सेक लें ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है तो ये दूसरा वाला पराठा है जो दूसरे तरीके से हमने भरा था बिल्कुल बढ़िया फूल के तैयार हुआ है दूसरे साइड भी हम तेल घी जिसमें भी आपको सेकना है सेक लें तो यहाँ पर हमारा पराठा तैयार है ये दूसरे तरीके वाला पराठा दोस्तों ऐसे गर्मागर्म सर्व करें मक्खन के साथ दही के साथ अचार के साथ जो भी आपको पसंद है अगर आज की आलू पराठे की सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी आज से दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग ईजी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केय बाय एंड कीप कुकिंग